Hello my dear students welcome back to one more video and in today's class we are going to study about elementary reaction and complex reaction. This reactions or this part is a continuation with the chapter Chemical kinetics. In chapter chemical kinetics, till now we all have studied that the first we have started with rate of reaction that is ROR, average rate of reaction, instant uh, rate of reaction, these all things we have studied, right? Then we have studied order of reaction, how to calculate order of reaction that also we have completed, right? Now let us start with.

ठीक है डायरेक्ट रिएक्शन होती है दो रिएक्टेंट जो है वो एक दूसरे के साथ में रिएक्ट होते हैं, और हमारा हमें क्या मिलता है प्रोडक्ट मिलता है ओके सो इट मीन्स अगर ये मेरा कोई डेस्टिनेशन है जहां पर मुझे पहुंचना है और ये मेरा घर है ठीक है ये मेरा डेस्टिनेशन है जहां मुझे पहुंचना है और ये मेरा घर है तो मैं घर से निकल के सीधे जाऊंगी अपने डेस्टिनेशन पे जहां पर मुझे पहुंचना है मैं बीच में और कहीं पर भी हॉल्ट नहीं लूंगी और कहीं पर भी दूसरे वे से रुकते रुकते हुए नहीं जाऊंगी सो सिमिलरली एलिमेंट्री रिएक्शंस भी ऐसे रिएक्शंस होती है जहां पर क्या होता है रिएक्टेंट रिएक्ट टूगेदर टू गेट द प्रोडक्ट और वील से दैट दिस इज द सिंगल स्टेप रिएक्शन ठीक है तो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है हम देखते हैं कि किस तरीके से एच आई फॉर्म होता है एनएच थ्री फॉर्म होता है और एसओ थ्री फॉर्म होता है सिर्फ इतनी ही नहीं उन सभी रिएक्शंस को कैटेगराइज किया जाता है एलिमेंट्री रिएक्शन में जिसमें कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता है ओके नाउ लेट स्टार्ट विद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एंड नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन अब देखते हैं हम बेसिकली क्या डिफरेंस होता है एलिमेंट्री uh, रिएक्शंस में और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में क्या होता है कि वन और मोर इंटरमीडिएट मे फॉर्म इन बिटवीन द रिएक्शन सो वन और मोर इंटरमीडिएट मे फॉर्म इन द रिएक्शन मीन्स व्हाट देखो हमारा फिर से हम लेते हैं अब ये हमारा डेस्टिनेशन है जैसे मैंने कहा कि अगर मैं इसे यहाँ से सीधे घर से ये क्या है मेरा घर है इस घर से मुझे ये मान के चलो स्कूल है तो मुझे अगर घर से स्कूल तक जाना है और मैं सीधे जाती हूं, बीच में कहीं पर भी हॉल्ट नहीं लेती हूँ तो इस इस वे को इसे हम कहेंगे एलिमेंट्री रिएक्शन, राइट बट अगर मुझे घर से निकलना है फिर मुझे अपने फ्रेंड के जाना है से यहाँ जाना है वहां से बुक्स कॉपीज उठाता है फिर मुझे उस फ्रेंड को लेकर और एक जगह जाना है जहां पर क्या है मेरी एक और फ्रेंड रखी है उसकी फ्रेंड है और उसके हाथ से भी मुझे कुछ लेना है देन आई विल गो टू स्कूल इट मीन्स ये जो मेरा रास्ता है मैं वो क्या कर रही हूँ मल्टी स्टेप में कर रही हूँ ये जो मैं रास्ते में पहुंच रही हूँ वो कैसा है मल्टी स्टेप है मल्टी स्टेप है इट मीन्स बीच में क्या फॉर्म हो रहे हैं इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहे हैं और जब भी ऐसे इंटरमीडिएट फॉर्म होते हैं बीच में तो उन रिएक्शंस को क्या कहा जाता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन सो हमने ये स्टडी किया है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच इंटरमीडिएट्स इज लाइक दिस रिएक्शन ओके सो इस रिएक्शन में देखो आप ध्यान से ये एक्चुअल में रिएक्शन क्या था हमारा हमारा रिएक्शन जो था वो है एच बी आर प्लस ओ टू गिव एच टू प्लस बी आर टू और हमने यहाँ पर क्या लिया है टू एच लिया ताकि रिएक्शन जो है वो प्रॉपरली चलो देख लेते हैं इसको बैलेंस कर लेते हैं रिएक्शन को और फिर यहां पर आ जाएगा फोर एंड देन यहां पर भी ओके okay. सो so यहां पर आ जाएगा टू ओके सो स्टूडेंट जब आप इसको बैलेंस करो जो एक्चुअल में बैलेंस करने से पहले एक्चुअल में हमारे रिएक्शन ये है तो जब हमारी रिएक्शन ये है तो हमने ये देखा कि इस रिएक्शन को जब आप स्टडी कर रहे हो तो ये किस कितने स्टेप्स में होती है तो देखो फर्स्ट स्टेप ये हुई जिसमें ये क्या बना है एक इंटरमीडिएट बना इंटरमीडिएट एक और मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट होता है ताकि हमें ये वाला इंटरमीडिएट मिले फिर ये इंटरमीडिएट एक और मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट होकर हमें फाइनली प्रोडक्ट मिल रहा है सो so, इस रिएक्शन में हम क्या देख रहे हैं हम देख रहे हैं वन और टू जो है इंटरमीडिएट फॉर्म हुए हैं और ऐसे सभी रिएक्शंस को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, क्या कहेंगे हम इनको कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस कहेंगे सो आई होप आप दोनों आपको इन दोनों का डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया है एलिमेंट्री रिएक्शंस एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस अब देखते हैं हम और का हम कि एलिमेंट्री रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें क्या होता है सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है और हमें जो है कोई इंटरमीडिएट नहीं मिलता सिमिलरली हमने ये भी देखा कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भी ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें इंटरमीडिएट फॉर्म होता है अब ध्यान से समझो ये टॉपिक जो है हम ये कहाँ स्टडी करने वाले हैं ये जो टॉपिक हम स्टडी करेंगे वो हम स्टडी करेंगे मोलिकुलरिटी हम किस में स्टडी करेंगे ये मोलिकुलारिटी अब जब आप मोलिकुलारिटी स्टडी कर रहे हो तो आपको मोलिकुलरिटी में एक कॉन्सेप्ट और पता होना चाहिए और वो कॉन्सेप्ट है कोलिजन थेरी वो क्या है कोलिजन थेरी अब कोलिजन थेरी मीन्स क्या हुआ कोलिजन थेरी क्या कहता है कि भाई जब भी कोई अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है तो दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास होना चाहिए और साथ में ही वो दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ

िटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं एक और कॉन्सेप्ट हमने स्टडी किया है और वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हम ये कहते हैं कि जो हमारा स्टोक्योमेट्रिक बैलेंस्ड इक्वेशन होता है तो ये हम ये तो थेरोटिकल कंसेप्ट है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब हम कैलकुलेट करते हैं तब वो क्या होता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज होती है क्योंकि हम उसको एक थ्रू एक्सपेरिमेंट्स जो है थ्रू ऑब्जर्वेशन थ्रू रिजल्ट हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने मॉलिक्यूल्स एक्चुअली उसके कॉन्सनट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है वो रिएक्शन बट जब हम मॉलिकुलारिटी स्टडी कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं हम देखते हैं कि कोई भी रिएक्शन में बैलेंस्ड इक्वेशन में स्टोक्योमेट्रिक कोइफिशंट्स क्या है ओके okay, सो so हमने क्या कहा इसमें हम क्या देख रहे हैं हम देख रहे हैं स्टोक्योमेट्रिक कोइफिशंट स्टोक्योमेट्रिक कोइफिशंट हम देखते हैं सो स्टोक्योमेट्रिक कोइफिशंट में हम क्या देख रहे हैं हम है, स्टोक्योमेट्रिक कोफिशंट्स को में, देख को में देखेंगे इन अ बैलेंस्ड इक्वेशन इन अ बैलेंस्ड इक्वेशन और उसी के बेसिस पे जो है हम मॉलिकुलरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं चलो देखो जैसे अगर मुझे इसकी मॉलिकुलरिटी फाइंड आउट करनी है मोलिकुलरिटी तो मोलिकुलरिटी कैसे फाइंड आउट करूंगी यहाँ पर कितने इन्वॉल्व है यहाँ वन एंड वन सो मोलिकुलरिटी वुड बी टू यहाँ पर देखो वन प्लस वो प्लस तो मोलिकुलरिटी इज फोर यहाँ पर कितना आया वन प्लस टू सो मोलिकुलारिटी इज थ्री सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द मोलिकुलरिटी सो मोलिकुलारिटी हमने क्या कहा हमने कहा भाई कि ये एक वन मोलिक्यूल ऑफ एच टू रिएक्ट विथ वन मॉलिक्यूल ऑफ आई टू टू गेट प्रोडक्ट सो वन वन जो रियक्ट हुए अभी हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि भाई वन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद्री मॉलिक्यूल्स ऑफ थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड टू गेट द डिजाइर्ड प्रोडक्ट जब हमने दोनों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट किया तो कितना आया है फोर आया है सो so, मोलिकुलरिटी जो है ये हम बैलेंस्ड इक्वेशन में उसके स्टोक्योमेट्रिक को लेते हैं और उसको क्या कर देते हैं उनका सम लेते हैं ताकि हमें पता चले कि एक्चुअल में कितने मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या कर रहे हैं प्रोडक्ट बना रहे हैं अब हम आते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में जहां पर मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है तो क्या ऐसा है कि मल्टी स्टेप रिएक्शंस में भी हम मॉलिकुलारिटी फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं और मोलिकुलारिटी जो है ये कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए बना हुआ है वो अभी हम देखते हैं जैसे देखो अभी हम मोलिकुलरिटी जो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस जो हम देखते हैं एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या है कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में टू या मल्टी स्टेप में रिएक्शन होती है जब टू वन और टू या फिर हम मल्टी स्टेप में रिएक्शन कहते हैं तो उनकी हर एक स्टेप की अपनी मोलिकुलारिटी होती है तो हमने क्या कहा कि जो मोलिकुलारिटी जो होती है इसमें किस कि, किस किस रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं हम कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में जो मोलिकुलरिटी होती है वो मोलिकुलारिटी डिपेंड करती है ईच स्टेप पे मोलिकुलरिटी कैसे डिपेंड करती है ईच स्टेप पे जैसे अगर मैं इसको स्टेप वन कहूँ ये स्टेप वन है ये स्टेप टू कहूँ और ये स्टेप थ्री कहूँ तो हम क्या कहेंगे देखेंगे कि भाई इन सभी स्टेप की इंडिविजुअल मोलिकुलरिटी हम कैलकुलेट कर सकते बट फाइनल जब आप निकालते हो जब रेट ऑफ रिएक्शन जब निकालते हो तब ई मोलिकुलरिटी ईच स्टेप की आप कैलकुलेट कर सकते बट जब अगर आप ओवरऑल मोलिकुलर रियाक्ट ओवरऑल मोलिकुलरिटी अगर आप कैलकुलेट करते हो तो ओवरऑल मोलिकुलरिटी हमेशा इसकी कितनी होती है नील हम उसकी ओवरऑल मोलिकुलरिटी नहीं बता सकते किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की और इसीलिए जब भी कोई मल्टी स्टेप रहता है रिएक्शन तो उन मल्टी स्टेप रिएक्शन में जो स्लोएस्ट स्टेप होगा उसी स्लोएस्ट स्टेप के बेसिस पे हम क्या करते है? करते हैं हैं उसका रेट डिटरमाइन फॉर जैसे अगर मान के चलो कि एक साइकिल फैक्ट्री है सो साइकिल फैक्ट्री में क्या होता है कि जब ये सभी पार्ट्स अलग अलग बनते हैं हैंडल अलग बनता है उसके व्हील्स अलग बनते हैं और सभी चीजें अलग अलग चीजें बनती हैं और लास्ट में जब सब चीजें बन जाए तो लास्ट में काम क्या बचा हुआ है सबको असेंबल करना तो कितने दिनों में कितनी साइकल्स बनेगी ये किसके डिपेंड करता है उसका बन साइकिल को बनने का रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा जो स्लोएस्ट स्टेप होगी हो सकता है कि साइकिल के हैंडल्स जो है वो एक दिन में पचास बन जाते हैं ओके बट जो साइकिल का जो गेयर रहता है उसका जो पीछे जहाँ गेयर मशीन्स लगती है या गेयरिंग पार्ट रहता है उसको बनने में वो एक दिन में दो ही बन सकते हैं तो अब अगर एक दिन में वो अगर दो ही बने तो आपकी साइकिल भी दो ही बन पाएगी एक दिन में आपने चाहे पचास हैंडल बनाए हो या सौ हैंडल बनाए हो उसका कोई यहां पर यूज नहीं होता है क्योंकि आपको असेंबल करने के लिए पूरे पार्ट रहते है, लगते हैं तो हम कैसे बताएंगे कि भाई जो स्लोएस्ट स्टेप होगी उसी को देखकर हम बता पाएंगे कि एक दिन में कितनी साइकिल जो है वो प्रिपेयर हो सकती है सिमिलरली जब आप कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की बात करते हो तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो भी स्लोएस्ट स्टेप हो स्लोएस्ट टेप ही स्टेप ही हमेशा रेट डिटरमाइन करती है कि वो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होना चाहिए सो so, हम ये इस यहाँ पर स्टडी करेंगे कि भाई मोलिकुलारिटीटी जो रहती है मोलिकुलारिटी जो हम इसकी जो आपके एलिमेंट्री रिएक्शंस होगी इन एलिमेंट्री रिएक्शंस की तो हम डायरेक्टली देख कर मोलिकुलारिटी बता सकते हैं बट कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की हम ये कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में मोलिकुलारिटी ईच स्टेप की होती है और जब आप ओवरऑल मोलिकुलारिटी देखते हो तो वहां पर क्या आ जाएगा हम उसको नील कहते हैं या फिर हम उसकी मोलिकुलारिटी कैलकुलेट नहीं करते आई होप आप सभी को ये टू टॉपिक्स So students here we are going to see the difference between order of reaction and molecularity of reaction. जैसे कि हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी पढ़ चुके हैं मोलिकुलेरिटी ऑफ रिएक्शन भी पढ़ चुके तो अभी हम ये देखेंगे इन दोनों में एक्चुअल में बेसिक डिफरेंस क्या होता है हम कौन सा वर्ड कहाँ पर यूज कर सकते किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते तो यहां पर हम वन बाय वन सभी पॉइंट्स को स्टडी करेंगे तो यहाँ पर हमने फर्स्ट पॉइंट ये लिखा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है इट इज द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ मोलार कंसेंट्रेशन इन द रेट लॉ इक्वेशन इफ़ यू रिमेंबर हमने ऐसे किया था कि भाई ये रेट ऑफ रिएक्शन

रिएक्टेंट्स uh, इस तरीके से रिएक्ट होंगे और इसे कहा जाता है मॉलिकुलरिटी चलो कुछ और और पॉइंट्स देखते हैं अब हमने क्या कहा कि भाई ऑर्डर ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का ऐसा जरूरी नहीं है कि होल नंबर ही हो ये क्या हो सकता है ये फ्रैक्शनल हो सकता है या फिर जीरो जीरो भी हो सकता है और ये हम ऑलरेडी थ्रू एग्जाम्पल समझ चुके हैं तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी होल नंबर कैन बी फ्रैक्शनल और इवन इट कैन बी जीरो जबकि मोलिकुलरिटी जो रहती है वो हमेशा Uh, क्या रहती है होल नंबर ही रहती है ऐसा क्यों होता है क्योंकि जब कोई दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ रिएक्ट हो रहे या कोलाइड हो रहे तो आधा मॉलिक्यूल या कुछ भी नहीं मॉलिक्यूल कैसे कोलाइड हो सकता है तो वो क्या हो सकता है हमेशा एक होल नंबर हो सकता है इसलिए हमने कहा कि भाई मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन जो होता है इट इज ऑलवेज अ होल नंबर अब हमने ये क्या कहा है कि भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है ये हम कैसे करते हैं डिटरमाइन इट कैन बी डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली ये हमेशा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन हम करते हैं हम प्रॉपर वैल्यूज देखते हैं और फिर डिटरमाइन करते हैं जबकि ये क्या होता है ये एक थिरोटिकल कॉन्सेप्ट है बाय ऑब्जर्विंग स्टोक्योमेट्रिक ऑफ़ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हम क्या कर सकते हैं है, है. है, है, इस तरीके से हम रेट इक्वेशन लिखेंगे और उसके बेसिस पे हमें क्या मिल सकता है हमें ये मिल सकता है कि कितने आ, वा, उस पर्टिकुलर रिएक्शन का क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है अब देखो मोलिकुलरिटी हमें कैसे पता चलता है हमें उसका मेकेनिज्म देखना पड़ेगा देखना पड़ेगा कि वहां पर कोई आ, मल्टी स्टेप रिएक्शन तो नहीं है वहां पर कोई इंटरमीडिएट फॉर्म तो नहीं हो रहा उस बेसिस पे हम उसकी मोलिकुलैरिटी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं नेक्स्ट हमने ये कहा कि जब भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट होती है मल्टी स्टेप किसी भी मल्टी स्टेप रिएक्शन की जब आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हो तो ये हमेशा किसके बेसिस पे होती है स्लोएस्ट स्टेप की जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया भी था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा स्लोएस्ट स्टेप के बेसिस पे ही क्या होता है कैलकुलेट की जाती है जबकि मोलिकुलरिटी कैसे होती है मोलिकुलरिटी जो रहती है ईच स्टेप अगर मल्टी स्टेप रिएक्शन है तो उसके हर एक स्टेप की मोलिकुलरिटी कैलकुलेट किया जाता है और लास्ट हम डिफरेंस देखेंगे कि ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो कौन डिटरमाइन करता है वो जो डिटरमाइन करता है वो होता है स्लोएस्ट स्टेप और यहाँ पर भी हम देखेंगे कि मल्ट मोलिकुलारिटी रिएक्शन में भी जो मल्टी स्टेप रिएक्शंस होती है उनके जो ओवरऑल रिएक्शन की मोलिकुलरिटी तो हम कैलकुलेट करते ही नहीं है उसके हम हमेशा क्या करते हैं हम हमेशा उसकी ईच स्टेप की मोलिकुलारिटी हम कैलकुलेट करते हैं ओके स्टूडेंट्स सो आई होप आपको तो ये दोनों टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे क्योंकि इसके ऊपर वन और टू मार्क के क्वेश्चन हर बार बोर्ड में फ्रेम हो सकते हैं और बहुत बार जो है ऑब्जेक्टिव काइंड में भी ये क्वेश्चन आ सकता है सो आई होप टूडे यू एंजॉयड द क्लास एंड यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ